Hey guys, how are you all? Welcome to our channel, We React India. I'm Sakshi Chaudhary. And ये आपका भाई संदीप. यो तारा भाई जोगिंदर इतना पानी पिएगा. तो भैया वो जोगिंदर भी बहुत चल रहा है आजकल. वैसे जोगिंदर की बात करने नहीं आए अभी हम लोग. यहाँ पर जो है एक हमारे लिए बहुत ही न्यू कंटेंट है जिनका नाम है द मृदुल. मतलब मृदुल नाम है उनके यूट्यूब चैनल का नाम है द मृदुल. तो इनका कंटेंट वैसे भी हमें देखना था क्योंकि एक हमारा दोस्त है, मतलब मेरा बहुत खास दोस्त है उत्कर्ष. उत्कर्ष के रिलेटिव है ये दामृदुल के बेटे हैं. मौसी के बेटे. सारी जानकारी रखी हुई है मुझसे ज्यादा उत्कर्ष. अच्छा मैं बता रहा हूँ कि उत्कर्ष मेरा 6 साल पुराना दोस्त है लेकिन मेरे को नहीं पता कि मृदुल जो है उत्कर्ष के मौसी. मुझे भी नहीं पता था, मुझे किसी और से पता चला. ओके तो हमें इनका कंटेंट वैसे भी देखना था कि यार क्या बनाते हैं, कैसे क्या बनाते हैं. उत्कर्ष भैया ऑल टाइम दा मृदुल स्टोरीज वगैरह डालते रहते हो. दा मृदुल के भी जो है अच्छे खासे लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके. यस अभी तो, हुए इनके एक महीने पहले कुछ काफी ज्यादा. हाँ तो इनका ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा कंटेंट बनाते होंगे. तो इनका जो अभी रिसेंट आया है मैं करूंगा शादी, ये वीडियो हम लोग देखते हैं और इसके बाद अपन इस पे बातें करते हैं और हमें भी बेसिकली देखने को मिलेगा. और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर यहाँ तक आप वीडियो देखा रहे हैं तो अब देखना क्योंकि अब आने वाला असली मजा. And if you are a singer, writer, director, company and anyone who want to collaborate with us, just DM us. और आप हमें YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं. और अगर आप गाना बनाते हो, सिंगर हो, तो आप हम अपने गाने को हमारे चैनल पर रिलीज भी करवा सकते हैं जिसके लिए आप हमें DM करेंगे और फिर हम लोग गाना देखने के बाद उस पर बात करेंगे. तो अभी ये जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत मजा आने वाला है क्योंकि कॉमेडी कंटेंट बना. 1 2 एंड स्टार्ट. में तेरा कर तो रहा हूँ कैसा करेगी, भूखी मरती रहे. बैठते अगर तुझे भी टाइम से खाना ना मिले ना तो तेरी आत्मा बाहर निकल के यूं कहवे खाने को दियो रे. ओ भाई बेटा नितिन को ब्याह आ रहा, अगर तेने दूध ना दियो और मिलक के कम पड़ गा तो काली से भूरी कर दूंगा, समझ गई. देख मृदुल मैं वादा नहीं कर सकती तेरे से, जितना मेरे पे उस टाइम दूध लिकड़ेगा मैं दे दूंगी. अगर तू मेरे पे प्रेशर बनाएगा ना तो समझ ले ग्लास बिन देने के लिए काट के. ओ भाई अच्छा वैसे एक बात बता, 4 बजे नियार कौन खावे, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब चीजन का एक टाइम हो करे. तुझे पता हो तेरे मारे हमें सुबह 4 बजे उठना पड़े, तेरे चक्कर में इन दो हसीन जवान लड़ने की ना जिंदगी खराब हुई पड़ी है. देख मृदुल तू हसीन है यो बात तो मैं तेरी मान रही, लेकिन वो जो मोटा ना तेरा भाई नितिन कलुआ उसकी तारीफ ना करे मेरे से, क्योंकि जब भी तू उसकी तारीफ करे ना मेरे खून में आग लग जाओ. ए मोटा कैसे कह रही है, अपना पेट ना देखे जा रहा, मोह मोटा बताई है. जब तू हगे इतने बीघे भर के तो कौन तक उठाऊ तेरे गोबर है बदतमीज औरत. यही मारे को थोड़ा कम खाए कर, डाइटिंग वाइटिंग कर लेकर थोड़ी. अगर मन ने डाइटिंग कर ली तो दूध कहाँ ते दूंगी. अपने दूध की ज्यादा ऐठ मत दिखावे, 50 रुपए लीटर में तेरे जैसी बतेरी डोला है, समझ गई. अरे हाँ पापा जी. अरे अभी खाओ भी ना वो तुम्हारा. हाँ बस नया रो लियो, नितिन गोबर घेर रहा फिर आ रहा हूँ बस. जल्दी आ लिया आ लिया. एक बार लिटरली इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट यू नो. और आप मतलब जब इसे देख रहे हो ना इवन भैंस की आवाज निकल रही है तो आपके लिए बहुत यूनिक चीज है और आप देख रहे हो. और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई हम पहली बार इन कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं कि नितिन कोई है मृदुल भाई को. हाँ. और इन सबको पहली बार हम लोग देख रहे हैं और इतना ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि जनरली होता है कि जब आप किसी को देखते रहो तो धीरे धीरे पसंद आने लगते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में भी कोई बंदे का. और मतलब जिस तरीके की इन्होंने कॉमेडी की है ना इट्स वेरी गुड. आप जब पहली बार देखोगे और आपको हंसी आ रही है मतलब इट्स अ गुड कंटेंट. आगे बढ़ते हैं, अभी तो मजा आ रहा है थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं आप लोग भी देखिएगा. अरे बावली पूछ उठ रहा मेरे मुंह के आगे तो दर्द है. नितिन सुन पापा बुला रहे हैं, जल्दी गोबर करके आजा फटाफट. पता ना भाई है क्या. हाँ जल्दी पहुंच मां लिया, पता ना गोबर में जिंदगी निकल जाएगी हमारी तो. गोबर जैसे रंग होगा हमारा तो. हाँ जी पापा जी. हो कौन. हाँ जी कौन तो होगा, पर जब बाजार जाओ ना तो भैंसन को गेनर का डिब्बा ले आइयो चॉकलेट फ्लेवर का. क्यों गेनर का डिब्बा क्यों. अरे भैंस दूध कम दे रही है ना, यह हमारा है. अब जब गेनर खाएगी तो दूध ही बढ़िया देगी और साइज भी बढ़ जाएगा, यह हमारा है.
पर चॉकलेट फ्लेवर की वो ना खुद ने कही मौसू। ठीक है ले आऊंगा, पर जो तो कल 500 रुपए दिए वे कहाँ? वे तो खत्म हो गए। खत्म हो गए कैसे? 50 रुपए का तेल गिरवा लियो, 150 रुपए के बाल कटवा लिए, 100 रुपए का फेस वॉश लियो और फिर 150 का जूस पी लियो। बच्चा 50 रुपया वे मैंने ब्याज उठा दिए, अगले महीने पूरे 55 मिलेगा बाबा जी। 100 रुपए का फेस वॉश गंदी शक्ल पे और 150 रुपए का जूस, बाल करते डोलने खर्चा और बाप बन रहा मक्खी चूस। 200 रुपए का हाफ आ जाता मेरा और बाल तेरे में यहीं काट देता। उल्लू के पट्टा खाते बर्बादी पे तरी आए। कहा बाबा जी कैसे गुस्सा हो रहे हो? 500 रुपए दिया कल ढो रहे बाबू जी फेस वॉश लेते डोल रहे हैं। कोई बात नहीं बाबा जी, वो पड़े पैसा लो। अरे मेरा समझदार बेटा, जय मार ब्याह करवा रहा हूँ तेरा। ऐ तो मेरा भी करवा दो ना ब्याह। कहा कह रहा 500 रुपया तो संभलना रहे, बहू से मारेगा। तो कह रहा ब्याह करवा दो, चुप खड़ा रहे। तो यू तो बेमंटी है मेरी गल, मेरा भी तो जी कर रहा है ब्याह करने का। बेटा जा दिन घर के रास्ते संभाल ले ना और 2 रुपया बचा ले, बहुत दिन करी ब्याह की बात। बस 2 रुपया? अरे पापा जी ये पकड़ो 10 रुपया, ब्याह करवाओ मत करवाओ, बस मेरी बहू की बुकिंग करवा दो और वहाँ का नंबर दिवा दियो, ब्याह तो मैं अपने आप कर लूंगा। पकड़ो तेरी ऐसी, आजा अभी कराऊंगा तेरा ब्याह। ए पापा जी तुम यहाँ छोड़ो, नु बताओ कहाँ जा रहे हो? कुछ ना, तेरे रिश्ते वाले से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा ब्याह की बात करने जा रहे हो? पापा जी वैसे मेरे ब्याह में काली स्कॉर्पियो तो मिल जाएगी ना, स्कॉर्पियो अगर कुछ कर लिया होता ना तो मिल भी जाती। बालक गोबर गेट से डोल ले, बाप साइकिल पर डोल लो, स्कॉर्पियो चाहिए। वो तो ब्याह हो रहा है, बहुत बड़ी बात तुमको। अच्छा पापा जी जब ब्याह हो रहा हो तो बैंड और बग्गी भी करनी पड़ेगी, तो उबाली करियो। जा में बोले पट 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 वन 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 चेक 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 चेक। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। और पापा जी वाला भी जामन रुके, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, धड़कन धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन धड़कन मेरी धड़कन, छाती पे ऐसी लात मारूंगा धड़कन बंद हो जाएगी तेरी। और कोई बैंड बग्गी ना होगा, बस एक डीजे करवाऊंगा तो धमक 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 मजा आएगा। पापा जी आज तो बस हाथ मिला लो। मैं तो बस ये हमारा कह रहा हूँ, नितिन का ब्याह होगा तो अलग पैसा लगेंगे, मेरा ब्याह होगा तो अलग पैसा लगेंगे। मैं तो तुम्हारे खर्चा बचाने कह रहा हूँ कि आगे बहू की कोई छोटी बहन हो तो आज मेरा सिस्टम फिट करवा दो, पैसा बच जाएंगे तुम्हारे। जैसे सारी शिकल है ना, दूल्हा छोड़ो तुम बिचौले बनने लायक भी ना हो। करवा रहा हूँ ना मैं, क्या काम करो अपना। बेटा तू कुछ भी कर ले, ब्याह तो मेरा ही होएगा क्योंकि जो मैं बोलूँ ना वही होवे। ओहो जब तेरा दिमाग इतना ही चला है तो परी मैच तो खेल ले कर ना, कम से कम पैसा तो कमाएगा। परी मैच क्या होवे? परी मैच एक प्रेडिक्शन ऐप है जो कहता है लीगल और भरोसेमंद है। होवे क्या आया मैं? तू यहाँ मैं स्पोर्ट्स चैंपियनशिप बिग बैश लीग PKL ISL और हॉर्स रेसिंग पे प्रेडिक्ट कर सके, वो भी मिनिमम डिपॉजिट की गेल, और हमें फास्ट विड्रॉल भी है और इनके यूजर को कैशबैक भी है। तो भाई मैं अपना अकाउंट कैसे खोलूं यहाँ मैं? गूगल पे परी मैच की साइट पे जाकर साइन अप कर, अपना नंबर डाल और पासवर्ड बना ले, फिर अपना डिपॉजिट कर और 15,000 रुपए लेके प्रेडिक्ट स्टार्ट कर दे, फिर तो मजा आ जाएगा यार। बेटा हम यहाँ पे जो ना डेली स्टेन गैली परी मैच खेल सके, जल्दी रजिस्टर कर ले। रजिस्टर तो मैं आज ही कर लूंगा, पर बेटा ब्याह मेरा होएगा। अगर मेरा ब्याह ना हुआ ना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और फिर जा घोड़ी पे तू दूल्हा बन के बैठेगा, वह घोड़ी के पिछवाड़े में ना पिंच हो दूंगा, फिर देखियो मजा। तो घोड़ी के पिन तो छोड़, तो घोड़ी के हाथ लगा के दिखा दियो। तब मैं तेरे घोड़ी का, मैं तो तेरे ही हाथ लगा दूंगा। ले तो ले। मम्मी देखियो कुत्ता मार रहा हूं। जब बुला ले मम्मी है, मेरा ब्याह क्या हो रहा है, चिढ़ रहा है मेरे से। हाँ तो और क्या करूँ, तो बहू मिल रही है, तू तो राजी रह गई। तो भी तो दावत मिल रही है, तो इतनी अच्छी लग रही है दावत, तो तू ले लेना, वो बहू दिवा दे। बहू मत दिवा दे, तो अपने ब्याह की इतनी ज्यादा लग रही है तो पापा कहते ना तेरी सेटिंग से ब्याह करवा देंगे, लव मैरिज कर लियो। अरे लव मैरिज भी तो हो रही, वहाँ के पापा चाहिए सरकारी नौकरी और यहाँ हम करें गोबर घेरने का प्राइवेट काम, जाके सैलरी का था बता लो। जब भी देखा थोड़ा पढ़ लिख लिया होते ना तो ब्याह हो जाता मेरी तरह। हाँ तेने तो बहुत डिग्री फाड़ी, उतर पापा ने पैसा भर के 10वीं पास करवा दिया, ना तो तुम जैसे कालीन के कोई ब्याह भी न करे। कल वो किसे कह रहा तू है? अभी बता रहा हूँ ब्याह करेंगे, नूना पर बहू की पप्पी दबा दे संडे संडे। पता है कंटेंट इतना ज्यादा इंटरटेनिंग है कि आप कुछ हाँ मतलब बोल ली मैं बिल्कुल एकदम घुस गई हूँ, घुस गई हूँ, मंत्रमुग्ध बोलते हैं ना, मंत्रमुग्ध यस वही हो गई। तो भाई इतना ज्यादा एंटरटेनिंग है कि आपको 10 सेकंड 5 सेकंड भी नहीं मिल रहा है कि आप कुछ बोल पाओ, इतना कॉन्टिन्यूसली इतना चल रहा है। yes. और बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग, बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और जो
जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी चीजें पकड़ी हुई ना, गोबर, काला बोला, और मतलब इनका जो कंटेंट है ना, जो प्रगति, मृदुल और नितिन बनाते हैं, ये तीनों भाई बहन है. तो इनका मतलब ये लोग तीनों ने ही शुरुआत की है, और बहुत छोटे से शुरुआत की है, बहुत टाइम लगा है यहाँ तक पहुंचने में. बट इट्स बट इनका पहला वीडियो आई थिंक 3 साल पुराना. हाँ, तो देयर कंटेंट ऑफ वेरी 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 एंटरटेनिंग और बहुत मजेदार कंटेंट है भाई. अभी तो हमें मजा आ रहा है क्योंकि इतना देसी दिया है, इतना देसी जुड़ाव रखा है. और बेसिकली हम लोग हरियाणा देख रहे हैं तो हमें हरियाणवी समझ में आने लगी और हमें हरियाणवी में मजा आने लगा. और ये तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. अभी देखो भैया, भैया भैया मार खा रहे हो. कैसे घुसगी बकरी हमारे खेत में? भैया हमने थोड़ी ना भेजी थी बकरियां तुम्हारे खेत में, मैं तो अपने आप चली गई. तू भी आएगा दिखाइए अब क्या हमारे खेत में? अब क्या घुसना जा बकरी. भैया, ओ भैया, हमें सानी, हमें संतुन मारो है. क्यों? मेरी बुकरियां उनके खेतन में चली गई, तभी मारो. तो तू वहां क्यों लेके जा रहा है? भैया वे अपने बच के चली गई. खतरा. चल मेरी गैल चल, तू बेटे ने घर पहुंचा दीजो. चलाओ देगा चाल. अरे खतरा, तने लौंडा क्यों मारो? भैया बहुत मारो तो. अच्छा तो तू यहाँ लेके आयो, यू कहीं का मंत्री है? हाँ हाँ मंत्री है. तू बस नु बता तने लौंडा हाथ कैसे लगायो? बताओ कैसे लगायो? कैसे लगायो? भैया इन्हें तो तुम मारो. बेटा तो बताओ, रुक जा तू, रुक जा. भाई आके बकरिया वगैरह खेत में अपने आप बढ़ गई तो वहां ने यहाँ फेल दिया. चल मैं चल रहा हूँ, रुक जा. तो भाई यही पहले चलना. अरे यहाँ पे जब तक पहुंचेगा ना, जब तक वो निबट लेगा. ठीक है भाई, जल्दी यार, वहां ने मुंह मारा यार, जल्दी आ. आजा मैं देख लूंगा, क्यों डर रहे हो यार तुम? अरे छोटू, ए छोटू, तेल लौंडन का हाथ कैसा लगाया इनके? और कोई भी हो ना, वहां भी बुला लियो, बता दूंगा कैसे हाथ लगाया. भाई आज ये संतुलन हमें बजा दिया ना, अभी पूरे गांव में कहेगा कि मैंने वे तीनों मारे, और हमारी होगी बेइज्जती, हर बालक हंसेगा हम पे. मैं तो कह रहा हूँ खटका और बकरा बुलाओ, और कोई तगड़ी सी प्लानिंग करते हैं. हाँ भैया फोन कर लो खटका और बकरा पे. तुम आ जाओ जल्दी. आते खटका और बकरा. नो जग्गा जासूस भाई, मंदिर से निकल गए. हेलो भाई, अभी अभी गली में से निकल रहा हूँ. बस देख मुझे कभी. हेलो क्या तेल लौंड मार के भग गए?
यहाँ पहले के मजा आएगा और नु सोच रहे ना बहुत अच्छे काम करो हमें बजा के, अब पता पड़ेगी मेरे तो हाथ में भी लग गई यार। अरे हाँ पापा जी। अरे कौन सा आए रहे तुम? कहीं ना पापा जी, मंदिर तक गए पंडित जी से मिलने, नितिन का ब्याह है ना तो कुंडली दिखाने गए हैं। ऐसी कुंडली लिखूंगा थारी, बस संतु के क्यूबिट खाए तुम। संतु? कौन संतु? हम ना जानते किस संतु है, तू जाने? हाँ मैं जानू। ना ना यू भी नहीं जानता। झूठ मत बोले, अभी फोन आया को नू कह रहा थारे बालक मेरे थूत पीट के गए। हाँ पापा वहां पहले मस्तानी मारा, यही मारा हमने थूत को झोला बना दिया बाकी का। बहुत बढ़िया, उल्लू का पट्टा उ थारे ब्याह का बिचौली आयो, अब कर लियो ब्याह, जैसे तो एक रिश्ता आयो वो भी ना करे अब। कैसे हो सारे के सारे? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल है सब्सक्राइब करिए और दोस्तों डाउनलोड करा परी मैच ऐप जिससे आप स्पोर्ट्स में प्रेडिक्ट करके पैसा कमा सकते हो। सो गाइस दिस इज द वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद पता है मुझे क्या लग रहा है? आप जहां हो आप वहां पे अपना कंटेंट बना सकते हो, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं आप उससे बना सकते हो, आपके पास जो लोग हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हो, आप बिना गाली के अपशब्द बोले बिना भी आप इंटरटेन कर सकते हो। आपका लुक कैसा है, आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, आप रीजनल लैंग्वेज में बनाते हो, इट डजंट मैटर, आप कितना अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करते हो वो मैटर करता है और आप कितने अच्छे से उस चीज को आप हंसा सकते हो, लोगों को आप बता सकते हो, वो ज्यादा मैटर करता है। और हमें इनसे यही चीज सीखनी चाहिए कि यार आप जहाँ हो, उन्होंने जहाँ वो थे जो उनका गांव था वहीं से शुरुआत की, जो थे जैसा था वैसा ही किया, तो आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय देम। क्योंकि यार हर किसी को लगता है ना, अरे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास लैंग्वेज नहीं है, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो भाई कुल मिलाकर के और इतना इंटरटेनिंग था ना, इतना इंटरटेनिंग था कि मजा आ गई देख करके। मतलब पहली बार आप देख रहे हो और इतना मजा आ रहा है, आपको कैरेक्टर्स आपको पसंद आ रहे हो, उनका वे ऑफ टॉकिंग पसंद आ रहा हो, उनका एक्सेंट पसंद आ रहा हो, और वो जिस तरीके से छोटी छोटी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, भाई शादी को बोल रहे कि भाई थारा ब्याह नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो भाई। और दूसरी चीज ये कि मतलब आप इतना हंसा पा रहे हो, एंगेज कर पा रहे हो। सबसे बड़ी बात ये ऑडियंस, सबसे बड़ी बात ये कि आप इतना हंसा रहे हो ऑडियंस को और सामने वाले को मजा आ रहा, तो ये आपकी जीत है। तो भैया कुल मिलाकर के हमें तो ये वीडियो बहुत पसंद आया, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। और इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। जय हिंद जय भारत।